साइकिल चलाने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पोल्यूशन की वजह से। वैसे ही एक तो स्पीड है तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, तो ज़्यादा हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं और ज़्यादा पोल्यूशन ऑब्वियसली इनटेक हो रहा है। आँखों में बहुत जलन होती है साइकिलिंग की वजह से, तो पता नहीं कितने टाइम तक ये मास्क भी काम करेगा। रोज़ रोज़ तो मास्क पहन के नहीं निकल सकते हम। कितने दिन घर के अंदर रह सकते हैं बंद, वो भी तो मास्क अब पहन के निकलते हैं, पर ये भी सेफ़ नहीं है हमारे लिए अच्छे ज़्यादा। डॉक्टर्स की एडवाइस हो सकता है पड़ जाए, मतलब हो सकता है कि ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए। मास्क देखो नहीं निकलने का मन करता, नहीं निकलना तो पड़ेगा ना, कब तक आप बच के रहोगे, हमारा ये कहना है। ऑफकोर्स एक तो मौसम बहुत डल होता है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आप फ्रेश एयर आप इनहेल कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद है कहीं से, मतलब घुटन सी महसूस होती है और मतलब अच्छा फील नहीं आता। अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, फिर भी आ रहे हैं क्योंकि दो दिन तक आए नहीं थे और नॉट फीलिंग गुड, आज थोड़ा लेट से आए, स्टिल आई एम हैविंग दैट इन्फेक्शन। ये सर परेशानी बहुत ज़्यादा है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह सुबह। इस टाइम आप खुद देख सकते हो वेदर कैसा हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से मैं सुबह से निकला हूँ गले में खराश, आँखों में जलन टाइप हो रहा है, मतलब दो तीन दिन से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही कि कुछ हो ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं पा रहा है। अब मान लो मैंने दो तीन बार आई ड्रॉप भी डाला लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं है, जैसे ही बाहर निकलता हूँ सेम का सेम प्रॉब्लम दोबारा से हो जा रहा है। मॉर्निंग से सुबह घर से निकला था, आँखों में इतनी तेज़ जलन हो रही है, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि स्कूटी चलाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि बीच बीच में हमें स्कूटी रोक के थोड़ा सा ना सांस लेना या ऐसा करना होता है, कंटिन्यू हम व्हीलचेयर मतलब स्कूटी नहीं चला सकते रोड पे, इतनी तेज़ जलन हो रही है आँखों में, बहुत बुरा हाल है। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कम से कम, यार वो बीमारियाँ हो जाएंगी हमको इतनी क्या नाम है पॉल्यूशन से, तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए कि पब्लिक को किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन की वजह से सुबह मॉर्निंग वॉक में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बुरा हाल है। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ सोचे इसके बारे में। अमीर लोग तो मास्क वगैरह लगा लेंगे लेकिन गरीबों का क्या होगा। सांस लेने के साथ थोड़ा सा आदमी के ऊपर एक साइकोलॉजिकली भी प्रेशर आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है इस मौसम में, क्योंकि अभी सर्दियाँ तो नहीं आई हैं तो ये फॉग तो नहीं है, और ये है कि अब ये मास्क लेके घूमना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा सा आदमी को अपने आने जाने का जो प्रोग्राम है वो भी चेंज करना पड़ रहा है कि हाँ अगर कहीं ना ही जाना पड़े तो बेहतर है। छुट्टी का दिन है, नॉर्मल लोग सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे घूमने जाएंगे, पर इसको देख के जो है थोड़ा सा आदमी के दिमाग में एक मतलब नेगेटिव इम्प्रेशन आ रहा है कि हाँ हवा के अंदर जो है ये क्या है जो हमें मतलब कहीं ना कहीं बीमार ना कर दे। दिनों से जो वेदर का कंडीशन है इतना फॉग, अब समझ नहीं आ रहा है कि ये फॉग है कि स्मॉग है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे धुआं है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और दूसरी तरफ हवा में ठंडक है।